मान और सम्मान के योग स्टेज पर बैठे हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और यहां पर मौजूद मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आज के इस चुनावी सभा के अहले सुनार आपके बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और आपके सामने एक 12 तारीख का वक्त एक ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें आपने अपना फैसला, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसा हो उसका फैसला करना है। सब मिलकर पुकारेंगे, सब मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माझी, सब मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माझी, आप मेरी आवाज में अब आवाज मिला दो। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम आपने मचाना है, कोहराम आपने मचाना है जो एक मौजूदा सरकार है इसकी नाकामियों का, जो इसने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, जन जन के साथ फरेब किया है, झूठ की राजनीति की है। आपने जन जन तक घर घर जाकर के इसकी नाकामियों को उजागर करना है, आपने उजागर करना है कांग्रेस की उपलब्धियों को, कांग्रेस की उपलब्धियों को घर घर जाकर के आपने पहुंचाना है। क्योंकि ये फैसला, ये घड़ी 12 मई की, 12 मई आपके बीच में जो आने वाली है, इसमें एक ऐसा फैसला होगा। एक तरफ आपके सामने वो पार्टी है जो देश को तोड़ना चाहती है, एक तरफ वो पार्टी है देश को जोड़ना चाहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अपना एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे भाई निर्मल सिंह जी जो यहाँ से उम्मीदवार है गुजर से, उनके पक्ष में डाले और उनको यहाँ से जिता करके हमारे आदरणीय जो अध्यक्ष जी है राहुल गांधी जी, उनको प्रधानमंत्री बनने में अपनी भागीदारी शामिल करें। वक्त का तकाजा है मेरे यार मिला दो, वक्त का तकाजा है मेरे यार मिला दो। जो वतन की दुश्मन है वो सरकार गिरा दो, जो भाई को भाई से मिलने नहीं देती बेहतर है कि आंगन की वो दीवार गिरा दो। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद आस मोहम्मद जी। मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र राणा भड़कोली जी से, 2 मिनट के लिए वो आए और अपना विचार रखें।